बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक नाखुशगवार और अंदनाक वाक़ा पेश आया यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम के अंदर, जहाँ पर बहुत ही मायानाज वकील लतीफ़ आफरीदी साहब को एक एक्यूज़ जो अभी हमारी पुलिस की कस्टडी में है, अब्दुल समी आफरीदी उसका नाम है, और उसने गन शॉट अदनान समी आफरीदी अंसारी और उसने उनको इंजर्ड किया। यहाँ पर उनको जख्मी हालत में अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके, किताब ना ला सके और उनकी इस वाक़े में डेथ हो गई है। और पुलिस ने क्राइम सीन जो है उसको सिक्योर कर लिया है। उसके अलावा जो मुलजिम है वो भी पुलिस की कस्टडी में है और इंटरोगेशन के जो मराहल हैं वो जारी हैं। इसके साथ साथ पुलिस की भारी मंत्री वहाँ अस्पताल में भी मौजूद है और उसके साथ भी बाकी जो मराहल हैं उसके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के या उसके बाद दीगर जो भी मामला हैं उसकी पुलिस निगरानी कर रही है और इसको हर जाविये से इसकी तफ्तीश का जो अमल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी इसके पीछे कारफरमा लोग होंगे उनको भी कटाया जाएगा। सर, इब्तदाई तौर पर मुलजिम के बारे में बताइएगा, कोई शनाख्त हुई हो, कोई उसका कुछ तलाशी में कुछ मिला उससे कुछ, और कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ सर? जी, एक तो वेपन तो 9 mm होगा या 34 होगा, उसकी अभी हम फॉरेंसिक कर रहे हैं, इसकी वो पता लग जाएगा जी। और बट इट्स अ स्मॉल आर्म और उसके साथ साथ उसका जो नाम है वो मैंने आपसे शेयर किया है, अदनान समी आफरीदी उनका नाम है, और जो दस्तावेजात उनकी